हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है। आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि हर एक यूनिक क्रिएशन के पीछे एक इंस्पिरेशन छुपी होती है। ऐसे ही हर एक फैशन क्रिएशन के पीछे भी एक इंस्पिरेशन होती है। फिर चाहे वो इंस्पिरेशन ली गई हो किसी इंडियन फोक आर्ट से, या टॉप डिज़ाइनर के कलेक्शन से, या किसी स्ट्रीट स्टाइल से। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसे इंडियन आर्ट फॉर्म्स जिन्होंने फैशन इंडस्ट्री पर बहुत बड़ी आप छोड़ी, और इनमें से कई आर्ट फॉर्म्स को आपने पहले जरूर देखा भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला आर्ट फॉर्म है पिचवई। 2019 में अनीता डोंगरे जी ने एक कलेक्शन निकाला था पिचवई नाम से। पिचवई एक ऐसा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो 400 साल पहले ओरिजिनेट हुआ था नथद्वार उदयपुर राजस्थान में, और ये स्टाइल ऑफ पेंटिंग श्री कृष्णा जी की स्टोरीज को दर्शाते हैं। और अनीता जी ने इस पेंटिंग को बहुत ही खूबसूरती से अपने कलेक्शन में उतारा है। अगर आपने इनकी कलेक्शन को पहले देखा हो तो हो सकता है आप इसे एम्ब्रॉयडरी समझ के धोखा खा गए हो, बट असल में ये एक पिचवई फोक आर्ट है जिसे पेंटर लेखराज जी ने पेंट किया है, और इस पे गोटापट्टी का काम भी हुआ है जो अनीता जी का सिग्नेचर स्टाइल है। तो आप लोग देख ही सकते हो कि कैसे इन कलाओं को बारीकी से परफॉर्म किया जाता है, और कैसे डिजाइनर्स को इस तरह के आर्ट फॉर्म्स एक नया नजरिया देते हैं। ऐसी ही एक और पेंटिंग है मिथिला, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। मिथिला 2500 साल पुराना आर्ट फॉर्म है। एक बार राजा जनक ने एक आर्टिस्ट को देवी सीता जी की वेडिंग को पेंटिंग्स के फॉर्म में कैप्चर करने को कहा था। तभी से यही पेंटिंग स्पेशली वुमेन्स प्रैक्टिस करती आ रही हैं, जिन्हें वो स्पेशल ओकेजन या फेस्टिवल्स पर अपने घरों के वॉल या फ्लोर पर बनवाती हैं। इसी पेंटिंग से इंस्पिरेशन लेकर पापा डोंट प्रीच बाय शुभिका ने भी अपना कलेक्शन निकाला था 2019 में, और इस कलेक्शन का नाम था रन फ्रेंजी रन। यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइन किए थे लहंगा, ब्रालेट्स, ड्रेप ड्रेसेस, एसेसरीज एसेट्रा, और ये सभी ड्रेसेस और एसेसरीज परफेक्ट हैं किसी भी संगीत या मेहंदी सेरेमनी के लिए, या फिर किसी भी ब्राइड मेड के लिए। साथ ही अगर आप लोग अपने लिए यहाँ ऐसा ही एक डिज़ाइनर आउटफिट रेडी करवाना चाहते हैं तो आप लोग एक हैंड पेंटेड ब्लाउज या क्रॉप टॉप के साथ जा सकते हैं, जिसे आप लोग पेयर कर सकते हैं एक प्लेन शिफॉन साड़ी के साथ या फिर एक फ्लेयरी प्लाजो के साथ, और बहुत ही सस्ते में आपका एक डिज़ाइनर आउटफिट यहाँ रेडी हो जाएगा। थर्ड आर्ट फॉर्म है लिप्पन। लिप्पन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्ले आर्ट फॉर्म है जो कच्छ गुजरात में प्रैक्टिस किया जाता है। ट्रेडिशनली लिप्पन को मड और कैमल डंग से बनाया जाता था ताकि घर अंदर से ठंडे रह सके और दिखने में सुंदर लग सके, और अर्पिता मेहता ने इसी आर्ट फॉर्म को बहुत ही अच्छे से अपने कलेक्शन में उतारा है। उन्होंने इन कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स को बहुत ही अच्छे से अहिर एम्ब्रॉयडरी के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया है अपने ब्लाउजेस, जैकेट्स और लहंगाज में, जो आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। साथ ही आपको इनकी कलेक्शन में एक बहुत ही अच्छा मिक्स देखने को मिलेगा ट्रेडिशनल और वेस्टर्न का, जो बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी न्यू एज ब्राइड के लिए। फोर्थ एंड लास्ट है वर्ली। अर्चना कोचर जी ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में एक कलेक्शन प्रेजेंट किया था वर्ली नाम से। वर्ली एक बहुत ही पुराना आर्ट फॉर्म है जो ओरिजिनेट हुआ था वर्ली रीजन ऑफ महाराष्ट्र में। इस आर्ट फॉर्म में आपको बहुत सारे ज्योमेट्रिक पैटर्न्स देखने को मिलेंगे जो डिपिक करते हैं वर्ली ट्राइब की लाइफ और बिलीव्स को। साथ ही यहाँ पर जो फेमस थीम है इस आर्ट फॉर्म में वो है स्पाइरल चेन ऑफ ह्यूमंस। अर्चना जी ने इसी आर्ट फॉर्म को ब्लैक एंड व्हाइट कलर पैलेट में पेश किया है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। साथ ही उन्होंने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से इस कलेक्शन को हैंड पेंट करवाया है वर्ली ट्राइब पेंटर्स के थ्रू। ये कलेक्शन बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल है कंटेम्प्रेरी सिल्वर सॉ क्रिएटिविटी का। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैशन वीडियोज़ के साथ मैं हर ट्यूज़डे आती रहूँगी।
रहूंगी। तो अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो आप लोग अर्बन नानी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आपको कोई क्वेरीज है या आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा।